अगली सीढ़ियां। तो ट्रैक करना ये और ऊपर मिलता हूँ आपसे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अजहर खान। इट्स टाइम टू ट्रैक हरिहर फोर्ट। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने होम स्टे से और मेरे को मिला एक पूरा ग्रुप। हाय पुष्पक। पुष्पक भाई। अक्षय। अक्षय। आकाश। आकाश। चेतन भाई। ये चेतन भाई। तो ये लोग ऊपर जा रहे थे, मैं इनके साथ ही हो लिया, फिर एक ग्रुप मिल गया पूरा। ये पहले भी ट्रैक कर चुके हैं तो मेरे लिए थोड़ी आसानी रहेगी। मुझे कल से डर लग रहा था बार बार देखने में भाई। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऊपर जाते जाते सांस और फूलने वाली है भाई। अपना फर्स्ट स्टेप पार कर चुका है, पहली मंजिल है ये ऊपर किले का ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पर ना दो रास्ते हैं, एक ये है जो थोड़ा एडवेंचरस है और एक रास्ता ये है, ये पुराना रास्ता है किले पर जाने का। फ्रंट है किधर रखने का? हाँ इधर एक राइट पे रख दे। ये देखो सर जी एडवेंचर्स करते हुए। ध्यान से देखिए इस शख्स को। भाई बहुत मुश्किल है, खास करके मेरे जैसे मोटे लोगों के लिए। अगर ये भाई लोग नहीं होते ना सारे तो मैं तो नीचे से रह जाता। धीरे चला। दूसरा स्टेप भी पार हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये देखो ये रास्ते से हम आए हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। ये बात ये देखो यार पानी। थैंक यू भाई। काम यार, अभी सुबह के 7:18 हो रहे हैं और ऊपर देखो कितना रश है। अगर आपको दिख रहा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जय। तो जब आप ऊपर की तरफ आ जाओगे मतलब सेकंड स्टेप पार कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि सेकंड स्टेप कौन सा होने वाला है, फटके हाथ में आ जाएगी। तो ऐसे एरो के निशान मिलेंगे ऊपर जाने के लिए और ये भी आपको ऐसा लगेगा कि रास्ता है लेकिन ये रास्ता नहीं है। बरसात के मौसम में जब पानी आता है ना तो पानी अपना रास्ता बना लेता है, ये वो जगह है और रास्ता ये वाला है जहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। एरो के निशान को फॉलो करते हुए आगे की तरफ चले। ओ देखो यार यार नज़ारा होने वाला है ऊपर का। लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, बहुत मेहनत लगी है ऊपर आने के लिए। बहुत थक गया लेकिन स्टिल नॉट गिव अप। पर जाना है तो जाना है। ये आसान लग रहा है। तो दोस्तों जस्ट फोर्ट के नीचे वाला जो रास्ता है ना वहाँ पर इस टाइम पहुँच चुका है और अभी ये अपने को ट्रैक करना है। ये वाला पार्ट जो है सबसे मुश्किल है। और अब अगर सैटरडे संडे के दिन आओगे ना आप लोग तो इतनी मारामारी मिलेगी यहाँ पर। बेहतर ये है भाई सैटरडे संडे छोड़ के किसी भी दिन आओ यहाँ पर। और बाकी इस किले के बारे में सारी बातें ऊपर बताऊंगा। तो दोस्तों पहली सीढ़ी तो चढ़ गई है, चढ़ ली है अपने ने, वो दिखाता हूँ आपको भाई। थोड़ा टी तरफ ये रास्ता है, पहली सीढ़ियाँ, उसके बाद यहाँ पर आके थोड़ा सा रेस्ट करो। अभी जो आगे रास्ता है वो इससे भी खतरनाक होने वाला है। चले क्या? क्या जबरदस्त व्यू है।
ये बहुत खतरनाक है। ये देखो भैया जी जा रहे हैं अभी असली थ्रिल करने। अरे भाई पहचान है इनको, ये जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये देखो ये थ्रिल करने वाले ये लड़के। हमारे ग्रुप का टाइगर देखो कहाँ बैठा है। बिल्कुल पानी की सरहद पे यार, चलते आगे की तरफ। बहुत नैरो रास्ता है तो एक एक करके चलना पड़ता है। और हमारे साथ का एक लड़का, क्या नाम था, पुष्पक, वो इस रास्ते से चला गया भाई। ये देखो भाई यहाँ से चले गए वो। वो देखो ऊपर दिख रहे हो ग्रीन शर्ट का और ग्रे कलर का शर्ट का, वही है। ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट स्टेयर केस है ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखो यार क्या पहाड़ी के साथ में बना हुआ, पूरा 80 डिग्री एंगल है। अभी इसको बंद करता हूँ और ऊपर मिलता हूँ आपसे। देखो दोस्तों सरोज जी हाथ पकड़ पकड़ नहीं कुंदा है भाई, झाली नहीं वरती अजून। त्यांना दिला तर आपल्याला पुढे घेते। वेटिंग आहे 1.5 घंटे का ट्रेन का जसा। हो हाय, फाइनली फाइनली किला फतेह कर लिया हमने। अभी तक थोड़ा बाकी है, थोड़ा बाकी है। यस भैया अजरुद्दीन भाई, नींबू पानी बंद। हाँ अजरुद्दीन भैया नींबू पानी। हाँ यहाँ पे थोड़ी एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेते हैं अभी बाकी है। और यहाँ पे भी शॉप है। चेस तीन कुंड है यहाँ पे, एक दो और तीसरा वो है। ये ऐसा लग रहा है कि नहाने के लिए, पीने के पानी के लिए और बाकी सब यूज के लिए कुंड बनाया था, क्योंकि बारिश होती है ना, जब बारिश होती है तो पानी इनमें इकट्ठा हो जाता है। और एक अंकल मेरे को बता रहे थे कि ये पानी यहाँ पर मार्च अप्रैल तक पानी रहता है यहाँ पर इन कुंड के अंदर। लेकिन अभी क्या है, हमारे ही लोगों द्वारा जो यहाँ घूमने आते हैं पूरा गंदा करा हुआ है, प्लास्टिक की बॉटलें डाली हुई हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है यार। ये मंदिर है यहाँ पर बजरंग बली का, और ये मंदिर भी फोर्ट के टाइम का ही है। अब फोर्ट की बात कर लेता हूँ मैं आपसे, ये फोर्ट तकरीबन 700 साल पुराना है। ये शिवाजी महाराज के भी पहले का फोर्ट है, जी हाँ। और सांस चढ़ रही यार। और इस फोर्ट के ऊपर ना एक तोप भी थी पहले, वो तोप खराब हो गई, नीचे गिर गई, उसके बाद उसको आर्मी लेके गई। वो तोप भी 700 साल पुरानी थी भाई। ये वाला साफ है, इसमें प्लास्टिक की बॉटलें नहीं डाली। कोठी आती दोस्तों, इसमें अनाज हथियार स्टॉक करके रखते थे पूरा। ये थोड़ा मैनेज कर रहे हैं और इन्हीं की टीम के दो चार बंदे नीचे हैं, पूरी भीड़ इनके कंट्रोल में, पूरी भीड़। ये किला इनके कब्जे में अभी। ये जब छोड़ेंगे तभी जाएंगे। क्या थामो रुको, ये मतले उतरा पहले दादा, तुम्ही नंबर कैमरा वाले, तुम्ही साइडला थांबले। हां दादा तो थांबला भाऊ, काय विषय नाही। भाई तुम आओ आगे ना, ते चढू दे एका साइडला, तुम्ही उतरा पटकन। मैं देख देख के उतरूंगा।
नहीं अभी उतर गया। नहीं वो बोल रहा है वो नीचे से आएंगे ना, अभी नीचे से आएंगे ना, तू इधर आ। बात सुन करा। तो ये अपना लास्ट स्टेयर केस है भाई नीचे उतरने के लिए, जो कि 80 डिग्री एंगल में बना हुआ है भाई। बिल्कुल सीधा खड़ा है, सीधा। मैं तो भाई बैठ बैठ के जा रहा हूँ, मेरा पिछवाड़ा भी पूरा गीला हो गया पानी से। अब भीड़ बहुत है, देखो नीचे। शिवाजी महाराज की जय।